हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले किस तरीके से दोस्तों अपने फ़ोन के अंदर आपका जो यहाँ पे टेक्नो का फ़ोन रहता है दोस्तों, आपने टेक्नो के फ़ोन के अंदर किस तरीके से दोस्तों यहाँ से जो ब्लूटूथ का डिवाइस आपने कनेक्ट किया हुआ है उसको डिसकनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से डिसकनेक्ट करना है आपके ब्लूटूथ के डिवाइस को। तो सिंपली इसके आप यहाँ पे आ जाएंगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे, इसके आपको टेक्नो का फ़ोन है तो टेक्नो के मोबाइल के अंदर आपको ब्लूटूथ को कनेक्ट या फिर डिसकनेक्ट करना है। तो पूरा वीडियो में एंड तक जरूर वॉच करें। मैं पूरा वीडियो एंड तक मैं बताने वाला हूँ किस तरह से उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं कनेक्टेड ब्लूटूथ को, और डिसकनेक्ट करने वाले उसको किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं तो मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा एंड तक जरूर वॉच करें वीडियो को। यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पर, ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्क्रॉल बार पे, और यहाँ पे देखने को मिलता है आपको सेटिंग्स का ऑप्शन। तो सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे सेटिंग्स को क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली ऐसे दोस्तों आप सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको ब्लूटूथ को कनेक्ट या फिर डिसकनेक्ट किस तरीके से करना है, तो उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे मोर कनेक्शन का ऑप्शन रहता है दोस्तों, आपको सिंपली मोर कनेक्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा जो ऑप्शन है ब्लूटूथ का, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिंपली दोस्तों ब्लूटूथ पे क्लिक कर देना आपको। यहाँ पे मैं ब्लूटूथ पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे डिवाइस नेम का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे रिसीव्ड फाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ना जो भी आपका कनेक्ट रहेगा आपके डिवाइस के साथ, जैसे मैंने क्लिक किया इसको कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है, क्लिक करेंगे ओके पे तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा आपके डिवाइस के साथ। तो दोस्तों यूँ ही अगर आपको यहाँ पे और डिसकनेक्ट करना रहेगा तो सिंपली डिसकनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो अगर आपका कोई भी कनेक्ट हो चुका है तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा पेयर के साथ, क्लिक करेंगे एरो पे, और इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद जो है आपका वो डिवाइस कनेक्ट और डिसकनेक्ट का ऑप्शन है, क्लिक कर देना आपको डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्नो के फ़ोन के अंदर।